हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम जानेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में। एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह, चाइल्ड मैरिज एक्ट ये सारे पास करवाए और महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार करवाया। इससे पहले हम बात कर रहे थे राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करवाया। अगर उसके बाद कोई बड़ा समाज सुधारक उभरा है तो उसमें वो है ईश्वर चंद विद्यासागर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो इसका क्या योगदान रहा है देश में, ये पॉइंट बाय पॉइंट करके देख लेते हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य किए हैं। और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 जो है ये डलहौजी के समय में ईश्वर चंद विद्यासागर की मदद से पास हुआ। अगेंस्ट अ पॉलीगेमी, अगेंस्ट अ पॉलीगेमी मतलब यह बहु विवाह के खिलाफ था। अगर एक आदमी एक से अधिक पत्नी रखता है या उससे शादी करता है एक महिला से अधिक, ये उसके खिलाफ था। ही रोट ए बुक बहु विवाह, और उसके खिलाफ एक बहु विवाह बुक भी लिखा जिसमें उसकी कुरीतियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ही स्टार्ट ए न्यूज़पेपर और उसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। इसका नाम था सोम प्रकाश और ये वीकली न्यूज़पेपर था, और इसके थ्रू वो पूरे देश या बंगाल बोल सकते हैं, उसमें बंगाल में ही छपता था न्यूज़पेपर, तो वहाँ यह प्रकाशित होता था। और वह समाज में सुधार के बारे में और इस एजुकेशन के बारे में, महिलाओं को किस तरह शिक्षित किया जाए, समाज में क्या खामियां उसको उजागर करते रहा। ही फिक्स्ड द एज ऑफ गर्ल फॉर मैरिज एट 10 ईयर्स बाय हेल्पिंग द एक्ट ऑफ 1860। 1860 में जो ब्रिटिश लेजिस्लेशन ने जो पास किया था एक्ट, उसके थ्रू महिलाओं का शादी के लिए, लड़कियों का शादी के लिए मिनिमम एज 10 साल था, जो कि आगे चल करके 1891 में जब ब्रिटिश लेजिस्लेशन ने पास किया तो ये 12 साल कर दिया। 1891 में 12 साल कर दिया। तो ये कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ईश्वर चंद विद्यासागर के थ्रू जो 1860 में जो एक्ट पास हुआ था तो उसमें महिलाओं की मिनिमम एज क्या था मैरिज के लिए, और वो आगे चलकर कितना भरा। तो ये हुआ कि 1860 में जो ब्रिटिश एक्ट था उसमें 10 साल था और 1891 में 12 साल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ही फाउंडेड द बेथून स्कूल एट कोलकाता इन 1849 टू प्रमोट एजुकेशन अमंग गर्ल्स। और उन्होंने 1849 में, ये पूछा जाता है कि बेथून कॉलेज किसने स्थापित किया और कब और कहाँ, तो ये बेथून स्कूल जो है महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसमें महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बेथून स्कूल खोला था। यह कलकत्ता में है, यह कब 1849 में खोला गया था। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं, उनमें से मैं कुछ बुक्स लाया हूँ, जैसे कि वर्णा परिचय, ये 1856 में इन्होंने लिखे हैं, वर्णा 1855 सॉरी, वर्णा परिचय, और मैरिज ऑफ हिंदू विडो ये 1856 में लिखे गए, और रीमैरिज एक्ट भी 1856 में पास हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। उपनिषद लेटर ऑफ विद्यासागर ये भी उन्होंने लिखे हैं, एक तरह से लेटर है उपनिषद लेटर ऑफ विद्यासागर। और एक बहुविवाह बुक है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुविवाह के खिलाफ थे। सोम प्रकाश एक न्यूज़पेपर था जो कि सप्ते में एक बार प्रकाशित होता था। तो ये रहा बहुत सारा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो विद्यासागर के बारे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम से पहले एक बार देख लें तो शायद एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।